नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज की इस टेस्ट में जो है मैं आप लोगों से 20 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। इस क्वेश्चन से जो है आपके एग्ज़ाम में, यानी कि 14 तारीख के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो है एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपके पास वर्दी हो, आपके शरीर में उसका वर्दी हो, तो आप जो है इस वीडियो को वॉच कर लीजिए और इस टेस्ट में भाग लीजिए और इस क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ, इस क्वेश्चन से जो है 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग के सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। मैक एक शब्द जो है यह किस गति को मापने के लिए किया जाता है। मैक जो है इसका उपयोग जो है किस की गति को मापने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन आप लोग के सामने है, चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा हवाई जहाज। हवाई जहाज की गति को मापने के लिए जो है मैक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किससे होता है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन जो है किससे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में होगा रेशे होगा, यही यहाँ पे हमने जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैलम के द्वारा जो है पौधे में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या कहा गया दोस्तों क्वेश्चन में, गाय के दूध में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। गाय के दूध में जो है विटामिन बी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया है दोस्तों, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद, जाति वृत्तीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपद। कैरोलस लीनियस पदार्थी जो है इसके अंतर्गत जो है द्विपद का वर्गीकरण किया गया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो फॉर्मूला होता है C/5=F-32/9। यह फॉर्मूला होता है, आप जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो यह जो है फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। क्या कहा गया है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, और इस 14 तारीख के एग्ज़ाम में जो है यह क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार पुलिस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के मालाबार तट पर जो है, मालाबार तट पर यह जो है विद्रोह हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्या कहा गया है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है नीचे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दत्त। आंसर क्या होगा इसका, नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ। कह रहा है, कोयला
कोयला जो है किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कार्बोनाइजेशन के द्वारा जो है कोयला का निर्माण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था, भारत पर जो है किस वर्ष आक्रमण किया था सिकंदर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहा गया है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मंगोल जो है यह मध्य एशिया के निवासी थे और वह जो है भारत में आया था व्यापार करने के लिए, सॉरी आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा दोस्तों, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, तो इसका आंसर होगा गोदावरी को जो है दक्षिण में गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में जो है यह मंदिर स्थित है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वाले प्रथम भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, सर जो भारत की सिलिकॉन मतलब वह कौन सी राज्य है जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत की वह कौन सी राज्य है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है, बिल्कुल सही बात है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि बर्फ जो है जल पर तैरती है, इसका आंसर क्या होगा, वह जल से, सॉरी यहाँ पे जल होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जल होगा यहाँ पे जल, यह जल से हल्की होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, बर्फ जो है जल से हल्की होती है इसलिए वह जो है उस पर तैरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में H5N1 नामक वायरस किससे पैदा होता है, सॉरी H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या चीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्ड फ्लू, यानी कि H5N1 नामक वायरस जो है यह बर्ड फ्लू से पैदा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17, गौर कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत करती है, मतलब कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप जो है नियत बनाए रखती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप को नियत करके रखती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे जो है एक ना एक क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 100% मैं आपको कहता हूँ, लिख के देता हूँ, इससे अगर क्वेश्चन ना आए तो आप हमें 100 गाली दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, चिपको आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर दोस्तों आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली आंदोलन में जो है वहाँ की महिला जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर शहर की स्थापना जो है किसने किया था? आप लोग के सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास ने जो है अमृतसर की स्थापना किया था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मैं आप लोग को जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। और मैं आप लोग को यह कहता हूँ कि यह जो है कि 14 मार्च को होने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।